फिल्म मेरे ख्याल से मैं इस कॉन्सेप्ट पे मैंने पहली बार फिल्म की है, जो एक टीनेज लव स्टोरी और उस तरीके का जो एक फ्रेश फ्रेश रोमांस कह सकते हैं हम, उस तरीके से टिपिकल वो नहीं, गांव का ठाकुर या उस तरीके का गरीब अमीर वाला रोमांस नहीं है, दोनों पैरेलल हैं, हीरो हीरोइन दोनों एक उसमें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ की गरीब अमीर या छोटे बड़े का रोमांस है, कॉलेज का है, शहर का रोमांस है। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे शायद ये पहली फिल्म होगी भोजपुरी में, और ख़ासकर लोकेशन और प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से फिल्म काफ़ी रिच दिखती है। ऐसा कहीं से भी इसको किसी मामले में कोई प्रोड्यूसर की तरफ से हो, डायरेक्टर की तरफ से हो, कोई ऐसा कोताही नहीं है, एक रिचनेस दिखती फिल्म में, एक लेविश सिनेमा लगता है। बहुत सारे न्यू फेसेस के साथ मैंने काम किया है और ये लोग दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे थे, दोनों काफ़ी टैलेंटेड हैं। हीरो का आपने देखा होगा डांस बहुत अच्छा करता है, और हीरोइन भी क्यूटनेस जो चाहिए फ्रेशर के हिसाब से, वो क्यूटनेस दोनों में, दोनों बहुत इनोसेंट लगते हैं, मतलब ऐसा फिल्म में भी उन पर जुल्म ढाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। ये बड़ा अजीब सा सवाल होता, सवाल बड़ा कठिन है ये, क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में याद नहीं रख पाता हूँ, खासकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो जिन फिल्मों का नाम नहीं लेता हूँ वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेता हूँ, बहुत सारी फिल्में जो आने वाली हैं बहरहाल। लेकिन इस फिल्म के साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं, और एक बहुत मन से बनाई गई फिल्म है, बहुत अच्छा आज हो रहा। ब्रज जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म थी, इसके पहले मैंने एक फिल्म बहुत साल पहले की थी देवता, बहुत क्रिस्टल क्लियर है एज डायरेक्टर वो अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने कहानी को लेकर, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कितने शॉट्स चाहिए कितना चाहिए ये उनको पता है, बहुत ज़्यादा शूट करके रख लेना वो नहीं है ऐसा, वो घर से निकलते हैं तो उनकी पूरी तैयारी होती है एज डायरेक्टर, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम बहुत अच्छी थी फिल्म की, हमारे प्रोड्यूसर साहब नए हैं इस फिल्म में, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी छूट दी एक निर्देशक ग्रुप में उनको, और सेट पे काफ़ी अच्छा माहौल रहता था, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। ये फिल्म मैंने देखी और काफ़ी अच्छी फिल्म लगी मुझे, दो नए कलाकार इस फिल्म से, भरत गांधी और जोया खान, जिनका ये इस फिल्म से लॉन्चिंग हुआ है, और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं ब्रजभूषण जी, काफ़ी अच्छा प्रयास है उनका, बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा ड्रामा है इसमें, एक टीनेज का जो लव है, प्यार मोहब्बत है वो दिख रहा है, और दो परिवारों का एक विवाद की स्थिति बनी है, तो कुल मिला के अच्छी फिल्म, अभी तो इंटरटेनिंग, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। हाँ, म्यूज़िक काफ़ी कर्णप्रिय है और काफ़ी अच्छे और मेलोडियस गाने हैं, बहुत ही मेलोडियस गाने। सर की फिल्म अभी मैं देख रहा था तो मुझे कई सारे मैसेज देखने को मिले, जैसे तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मुझे अभी एक सीन में दिख गया, तीन तलाक का, और काफ़ी अच्छा उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उस बात को कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो काफ़ी अच्छा है, मुझे कलाकारों से उम्मीद है और फिल्म अच्छा बेहतर होनी चाहिए, लोग एक बहुत ही साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन सबके साथ बैठ के देखने लायक फिल्म है, एंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है सब प्रयास में है और हो भी रहा, और इस फिल्म ने अच्छा शुरुआत किया है, तो ये तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक माहौल बनेगा इस फिल्म से। सबसे पहले देखने वाले सारे दर्शकों को दिल से नमस्कार। हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और ये हमारे डायरेक्टर साहब फिल्म में भी डांट खाती रही है और यहाँ पहुँचने में भी 15 मिनट लेट है, डांट खाई है थोड़ा सा होता है ट्रैफिक नहीं। एक्चुअली क्या है, सजने संवरने में समय तो लगता है, बीइंग ए निर्देशक मैं भी समझता हूँ कि हीरोइन को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और तभी जाके फिल्म अच्छी बनी है। देखिए इस फिल्म में कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सर। हाँ, तो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है टीनेजर लव स्टोरी, राम मंदिर मूवी स्टार में लगी है अभी, हमारी सारी ग्रुप यहाँ पे आई हुई है, मुझे बहुत
देख के खुशी मिली। हाँ जी, हमारी पीढ़ी से मैं जो हमें बहुत सारा प्यार करती है, बहुत सारा। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, सॉरी मैम। नहीं, अभी नाराज होना भी बनता है ना, कब से लोग वेट कर रहे हैं और ये अभी हीरोइन बन गई ना बाबा। सॉरी सॉरी। चलो बाकी सो आप लोग भी जरूर देखिए हॉल में जाके, थिएटर में जाके हमारी टीनेजर लव स्टोरी बहुत अच्छी बनी है। अभी आज का रिलीजिंग डेट था और रिलीज हो रही है। आप जैसे कि सारे ग्रुप को देख रहे हैं, हमारे हमें देख रहे हैं, सो हम तो बहुत खुश हैं। सो आप लोग भी इस खुशी का लाभ उठाइए और अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके ज़रूर देखिए टीनेजर लव स्टोरी। आप लोग का प्यार ऐसे बना रहे तो हम सेकंड लव स्टोरी के लिए भी तैयार हैं। बस आपका आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, यदि ये सक्सेसफुल ग्रांड सक्सेस मिलती है तो आगे के दो प्रोजेक्ट के लिए स्टोरी रेडी है। बस रास्ता देख रहे हैं कि क्या रिलीज के बाद रिजल्ट रहता है। प्लैनेट भोजपुरी।